नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं dsadaknama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव सापुरिया में और आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि हमारे साथ काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहां पे मौजूद हैं। वैसे तो जो है खेती का सीजन चल रहा है, लोग जो है कॉटन की चुनाई करने में बिजी हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं जो ये शेड है जहाँ पे काफ़ी संख्या में जो लोग हैं गांव के यहाँ पे एकत्रित होते हैं, जो हमें मिलते हैं और हम उनसे जो है इस चुनाव को लेकर जो क्या माहौल है और क्या इस गांव की बड़ी दिक्कत है उसके बारे में हम यहाँ से चर्चा करेंगे। हाँ जी ताऊ, क्या नाम आपका? मेरे कौन बोले जा यार, मान लो तू सर। मेरा नाम साहिल है सर। हाँ जी, पहली बात तो ये सेमला की समस्या थी, अब वो टूटना तो बंद हो गया, बांध दिया है, अब हो गया मच्छर हो गए इतने बड़े बड़े, उसकी वजह से गांव में पूरे गांव में डेंगू मलेरिया बुखार हो रही है। इसके लिए प्रशासन ने कार्रवाई करनी चाहिए, कोई धुआं है कोई वगैरह कोई स्प्रे हो जो भी हो करना, फॉगिंग वगैरह करवाई जानी, हाँ फॉगिंग करवानी चाहिए, इससे मच्छर कम होंगे तो बीमारी से छुटकारा मिलेगा। बहुत ज़्यादा हमारे गाँव में हर रोज़ एक दो एडमिट हो रहे हैं तो इसके लिए, हाँ हाँ यस सर। तो क्या बाकी परिस्थितियाँ क्या हैं चुनाव को लेकर बातचीत करें? चुनाव अभी गर्मा गर्मी है सर। हाँ क्या रहेगा, किसको देखो सर, अभी टक्कर है, किस किस की? बिल्लू और गोविंद काटा की। अच्छा, हाँ टक्कर है। हाँ पौना तीसरे नंबर पे है। अच्छा, इस कांग्रेस तीसरे पे है। हाँ। तो कुछ वोट मिलेगा कांग्रेस को भी? मिलेंगे सर, मिलेंगे जरूर। हाँ जी, आपका क्या नाम है सर? अतर सिंह नाम है जी। तो आप क्या करते हैं? ये तो रिटायरमेंट है रही है। हाँ। कौन से डिपार्टमेंट से? पब्लिक हेल्थ से। अच्छा, पब्लिक हेल्थ से। तो क्या रहेगा इस बार चुनाव की बात करें तो? चुनाव की तो जी वही तो लमसम चला हुआ तो बेरो को नहीं, पर दो समस्या उन्हें हले जाए तो ठीक है। बताओ। ये तो अपने वाटर उसकी नाली ही नहीं, वो माटी तो भरी पड़ी है और वो पानी को नहीं आ डिग्गी में, वो नहीं मौका लग जाना चाहिए। ये डिग्गी है नहीं, डिग्गी में सेम पानी आवा है, आधो काम बीमार है रे। अच्छा, ये दो तो ये समस्या है, दो समस्या है बड़ी जी। और क्या चुनाव को लेकर क्या रहेगा वोट की? चुनाव तो देखो 29 तारीख को बेरो पड़ेगा, अभी तो बेरो पड़ेगा कोई नहीं। हाँ जी, आपका क्या नाम है सर? सुबे सिंह जी। तो आप भी खेती बाड़ी करते हैं? हाँ। तो क्या इस बार फसलों का क्या हालचाल है? फसल कमजोर हो रही है, सेम में खराब होगी, उखेड़ो ही आ गयो, कि पानी टूट गया तो देख 200-300 किलो भर गया, चार फुट पानी खड़ी है, बिजाई को नहीं होने रही गई हुई। तो क्या रहेगा इस बार चुनाव को, चुनाव को लेकर बातचीत? चुनाव चुनाव तो देखी जाएगी, माली समस्या कोई हल करे को नहीं। पानी निकलवाए जमीन उसका खेत का? निकलवा में कदे 4 फुट पानी है वो बाई को नहीं होने लग रही कणक की, झूठा बोले सारा। ना आप बता दो आगे लो। मेरा नाम कृष्ण कुमार है। तो आप क्या करते हैं? मैं खेती बाड़ी करता हूँ। हाँ, तो क्या बड़ी समस्या क्या है आपके गांव की बात करें तो? हमारे गांव की मेन समस्या एक तो सेम का प्रकोप है, गांव के अंदर पानी घुसना शुरू हो गया, ये दीवारें देखिए आप, गांव में अभी सेम की जैसे मोटरें वगैरह की डिमांड है गांव की, सांझी अलग अलग एरिया में मोटरें लग जाएं और पानी ड्रेन में डाला जाए, एक तो ये समस्या। एक वाटरवर्क्स की जिस भाई ने पहले बताया कि गाँव में पूरा गाँव सेम का पानी पी रहा है, नहरों से पानी आ नहीं रहा, अब ये नज़दीक हमारे भिन्न भिन्न गाँव हैं, इनमें सब में सरकार ने बड़े 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 टेंडर किए हैं, सेम से हटके अलग डिग्गियाँ बनाई जा रही हैं, तो हमारे गांव में भी डिग्गियाँ बनाई जाए। तो इस सरकार में कुछ हुआ है काम आपके गांव की बात करें तो? सरकार में हुए हैं, एक हमारे गांव में काटा डिपार्टमेंट का एक प्रोजेक्ट दिया है, 4.5 करोड़ रुपए दिए हैं खट्टर साहब ने, तो गाँव में हमारे 850 एकड़ में बूंद बूंद पानी लग रहा है, सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के तहत काटा डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है और 850-850 एकड़ में अच्छी पैदा हो रही है, खेती है, लोगों ने बाग भी लगाए हैं गांव में, गांव का विकास कार्य हुआ है। तो कहाँ जाएगा अगर वोट की बात करें तो? वोट तो देखो जी ये पब्लिक है, किसी का मन कहाँ है किसी का कहाँ है जी। लेकिन कांडा साहब की अच्छी प्रोग्रेस है, इन 3-4 दिनों में काफ़ी लोग जुड़े हैं और JJP और BJP दोनों अलायंस होने के कारण काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ रहा है हमारे गाँव में। पड़ रहा है। हाँ, तो वोट जाएंगे उनको? बिल्कुल जाएंगे जी, जाएंगे नहीं, समीकरण कुछ ही हो सकते हैं, हो सकता है कांडा साहब यहाँ से एक नंबर पे जाएं। अच्छा, जीत भी सकते हैं? जीत भी सकते हैं गांव। तो बाकी कांग्रेस को भी वोट मिलेगा इनेलो को? कांग्रेस को भी मिलेगा, इनेलो को भी वोट मिलेगा जी। जो पुराने पेट परिवार हैं वो सब सेटल हैं, सेट हैं जी। मेरे गाँव में 450-500 वोट हरिजनों की है, वो जहाँ जाएंगी वो मायने रखती है, हार जीत का अंतर वही करवाते हैं। दलित वोट रहे? दलित वोट बिल्कुल। तो क्या दलित वोटर इस बार जो है इफेक्ट क्या रहेगा? मन बना रहे हैं कांडा का,
कांडा की जय जयकार है। कांडा साहब आए थे, हमारे गांव के एक मंदिर है उसमें 50-51 हज़ार रुपए दे के गए थे और गरीब लोग कांडा जी के साथ हैं। अच्छा, गरीब लोग हैं। हाँ, बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे बाकी? ये एक तो ये सेम का है, सेम का काम हो जाए। अब पूरे इलाके में करीब 10-15 साल से सेम की काफी समस्या है। एक तो ये सुविधा होनी चाहिए, गांव का पानी ये लगा रहे आगे गिला नहीं रही, ऐ जोड़ रहे दोनों जोड़ा हम तीन वहाँ पानी नहीं है जी, एक दो टिब्बा मोरी है, मैंने SCX रोज हल्ला मार दें, वहाँ पर पानी नहीं है, पानी नहीं है। हाँ, लगान नहीं पानी को नहीं, ये सेम नाला कर टूटा वो तो 15 साल बाद में हुई है, फिर वो मौका की जाके देख लियो, बड़े पानी को नहीं पी नहीं। ठीक है, धन्यवाद। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। बस भाई जी, मैं बताई दी नहीं तो कहाँ जाएगा ज्यादातर मेरा कौन भैया पल आप बोटा हमारा राज ही खोल जा। हाँ जी, आपका क्या नाम है सर? धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। कोई समझ बता दिया गांव में यही यही की समस्या सहम वाली है, पानी पीने को मिल रहा है, फसल बर्बाद होगी, बस यही समस्या हुआ गांव में। वोट कहाँ जाएगा ज्यादातर? वोट तो तीनों एक से ही है, टक्कर है ते कोनी टिक्कर है। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। इस गांव में सेम की समस्या है और सेम की वजह से जो है गांव में जो है खेतों की जो फसलें हैं वो बर्बाद हो रही है और जल भराव हो चुका है, और अधिकतर जो गांव के लोगों का कहना है कि सरकार है वो पानी अगर खेतों से निकलवा दे तो वो अगली बिजाई है वो की जा सके। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम इन जो है लोगों की आवाज़ है वो सरकार तक जरूर पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।